हेलो गाइस, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। तो आज इन आर स्कीम क्रॉनिकल्स वी आर गोइंग टू स्टडी रियल इस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट एंड इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट। ठीक है, तो ये न्यूज़ में क्या होता आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन डैट। उसके अलावा इसके अंदर रिसेंट डेवलपमेंट्स और क्या क्या हुई हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी एग्जैक्टली है क्या रीट एंड इन्विट्स, ऑपरेट कैसे करते हैं, स्ट्रक्चर क्या है, टैक्सेशन कैसे हो रहा है, इसकी बात भी करेंगे अलॉन्ग विद अ क्वेश्चन डेट हैव ब्रॉट। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर होने वाला है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो पहले हम बात करते हैं हुआ क्या है। बेसिकली नेशनल हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट NHIT, इट इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बाय द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दे हैव सक्सेसफुली कंक्लूडेड फंड रेजिंग थ्रू इनविट राउंड 3 फॉर नेशनल हाईवे स्ट्रेचेस ऑफ एग्रीगेट दिस मच किलोमीटर एट अ वैल्यू ऑफ दिस मच करोड़। तो NHAI ने इनविट्स लॉन्च करे। ठीक है, उस इनविट्स के अंदर दे हैव रेज्ड मनी फॉर देयर हाईवेज। सो दिस वाज इन न्यूज। ठीक है, नाउ विल अंडरस्टैंड ये इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट है क्या। ठीक है, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट। एक होता है इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट, एक होता है रियल इस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है, जैसे नाम से समझ में आ रहा है हमें कि जो रियल इस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट है उसका पैसा जाता है रियल इस्टेट के अंदर, बिल्डिंग्स, मॉल्स, रेंटेड प्लेसेस एट्सेट्रा। बट जो इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा जा रहा है, इन्विट का पैसा जा रहा है, वो जा रहा है हमारे इन प्रोजेक्ट्स लाइक रोड कंस्ट्रक्शन, ब्रिज कंस्ट्रक्शन हो गया, जहाँ से रेवेन्यू आने वाला है कंटिन्यूस रेवेन्यू, या फिर कोई और एक्टिविटी। ठीक है, जो ऑपरेशंस के थ्रू पैसा जनरेट करती है। नाउ हम इनकी बात क्यों कर रहे हैं, देयर आर सो मेनी मैकेनिज्म्स टू रेज मनी। लाइक नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया कैन रेज मनी फ्रॉम बैंक्स, फ्रॉम नॉन बैंक्स ऑल्सो, from institutional investors also। ठीक है, but what they are doing, they want कि हमारे पास पैसा सही रेट पे आए। अगर वो बैंक से पैसा लेते हैं तो उनको कुछ collateral देना पड़ता है, कुछ वो सब देना पड़ता है, उसके अलावा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा उनको। बट वॉट दे विल डू, बिकॉज नेशनल हाईवेज मेक रोड्स हाईवेज एंड दे कलेक्ट टोल्स ऑन दोज रोड्स, तो व्हाट दे वांट कि हम हाईवे कंस्ट्रक्शन के लोगों से पैसा भी ले लें और लोगों को बताएं कि जब आप इसमें पैसा डालोगे तो कुछ टाइम के बाद आपको इसके अंदर पीरियोडिकली पैसा आएगा। कहां से आएगा, जो टोल से पैसा कलेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें क्या फायदा हो रहा है, एक तो जो स्मॉल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं लाइक अस, दे कैन इन्वेस्ट इन रीट इनविट, सो दे कैन ओन, इफ दे आर इन्वेस्टिंग थ्रू इक्विटी मीडियम, दे कैन ओन दैट पर्टिकुलर रोड टिल द पीरियड देयर लायबिलिटी इज कंप्लीटेड। ठीक है, और बाकी जो हमारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया या कोई बड़ा कोई कंपनी है, उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहता है, उनको लेस कॉस्ट पे पैसा मिल जाता है, रेज कर मिल जाता है, प्लस पब्लिक का ट्रस्ट आ जाता है एंड दे कैन रेज एज मच एज दे वांट, जब तक वो अपने प्रोजेक्ट का सेंस बनाते हैं। ठीक है, तो दिस इज इन जनरल अबाउट रेट एंड इनविट। ठीक है, अब इनविट के थ्रू आप किसी में इक्विटी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, डेट भी ले सकते हो, मतलब डेट पे लोन भी दे सकते हो, डेट कैन ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, उसके अलावा जो हमारे इन्विट है या फिर रीट हैं, इसके अंदर हमारे अलावा बाकी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी आते हैं, लाइक पेंशन फंड है ना, उन पेंशन फंड में बहुत सारा फंड रहता है क्योंकि उनको पैसा बाद में देना, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है उनके लिए, तो उनको पैसा बाद में देना पड़ता है, तो वो कहते हैं वहाँ पर जो अभी पैसा पड़ा है हम इसको इन्वेस्ट करें। सो दे जनरली इन्वेस्ट थ्रू इन्विट्स और रीट्स। ठीक है, तो एक मैकेनिज्म है टू कनेक्ट द बोरोअर विद द लेंडर, इट इज अ मैकेनिज्म। ठीक है, अब मैकेनिज्म एग्जैक्टली कौन कौन है, कौन पार्टिसिपेंट्स है, डेट ऑल्सो वी आर गोइंग टू स्टडी। ठीक है, ये स्ट्रक्चर रहता है हमारा किसका, एक रीट या फिर एक इनविट का। इनविट की बात करते हैं, बात सिमिलर ही है, स्ट्रक्चर सिमिलर ही रहता है। सो देर आर फोर इंपॉर्टेंट पीपल हियर, स्पॉन्सर, पहले स्पॉन्सर होता है। सो स्पॉन्सर वो होता है जो इनविट सेटअप करता है, जो सबसे ज्यादा पैसा इनिशियली डालता है सेटअप करने में, स्पॉन्सर, जो स्पॉन्सर कर रहा है इनविट को। ठीक है, तो ये होता है स्पॉन्सर। अब इस पर रेगुलेशंस बन रखी हैं कि कुछ पीरियड के बाद अगर स्पॉन्सर अपना पैसा कम करे, दे कैन डू इट, बट वो एक मिनिमम थ्रेशोल्ड से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज द रूल गिवन बाय सेबी। अब वो कितना परसेंटेज, इट इज पार्ट ऑफ गाइडलाइंस। ठीक है, आई थिंक 20% या 40% है, आई एम नॉट श्योर, बट दे हैव टू मेंटेन सम मिनिमम परसेंटेज ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पॉन्सर्स। फिर आते हैं हमारे ट्रस्टीज। नाउ ट्रस्टी वो होता है जिसके बिहाफ पे कोई चीज़ की जा रही है,
मतलब हमारे भी आप असली में जो देखो कौन ऑन करता है इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट को स्पॉन्सर करेगा जो बाकी वो करेंगे जिन्होंने इसके फंड खरीद रखे हैं तो उसे बोर्ड दिस इनविट यूनिट्स ठीक है। अब आपने तो खरीद के रख दी यूनिट्स को बट आपके बदले में ट्रस्टी ध्यान रखता है सब कुछ चीजों का किस चीज का होल्ड्स इनविट एसेट्स इन ट्रस्ट फॉर बेनिफिशरीज मैनेजमेंट अग्रीमेंट विद इन्वेस्टमेंट मैनेजर ठीक है। सो ट्रस्टी ध्यान रखते हैं कि सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं इनविट के अंदर ठीक है। इन्वेस्टमेंट मैनेजर होता है जो गाइड करता है ट्रस्टी को ठीक है आपस में मिलके दे डिसाइड कैसे हमें आगे पैसा डालना है जो आया है ठीक है। और यह है इन्वेस्टर्स हम इन्वेस्ट करते हैं या तो कभी हमारा इनविट लिस्टेड हो स्टॉक एक्सचेंज पे तो उसके शेयर यूनिट्स खरीद सकते हैं या फिर हम इनडायरेक्टली अनलिस्टेड में भी पार्ट ले सकते हैं ठीक है। तो ये चार डिस्कस हो गए इन्वेस्टमेंट मैनेजर इन्वेस्टर स्पॉन्सर एंड ट्रस्टीज ठीक है। अब क्योंकि इनविट को लगता है यार मैं खुद ढूंढूं कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करूँ कहाँ नहीं करूँ उससे अच्छा व्हाट दे विल डू दे क्रिएट अ स्पेशल पर्पस व्हीकल्स ठीक है SPV1 लाइक SPV2 ठीक है। अब वो क्या करेंगे या फर्दर इन्वेस्टमेंट करेंगे प्रोजेक्ट्स के अंदर ठीक है। लेट्स से एक इनविट है लेट्स से XYZ इनविट है उसका काम है एक तरफ वो हाईवेज के लिए पैसा डालता है तो हाईवेज के लिए उसका अलग स्पेशल पर्पस व्हीकल है एक तरफ वो पैसा लेट्स से कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लगता है लेट्स से वो एयरपोर्ट्स कंस्ट्रक्शन ठीक है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन तो चलो रीट का पार्ट हो गया ठीक है। कोई प्लांट कंस्ट्रक्ट हो रहा है ठीक है कोई बड़ी कंपनी प्लांट कंस्ट्रक्ट कर रही है तो उसके लिए एक अलग SPV बना दिया। सो बेस्ड ऑन योर ऑपरेशंस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट दे इनविट्स जनरली इन्वेस्ट फर्दर इनटू स्पेशल पर्पस व्हीकल्स ठीक है। देन दे एंड जनरली इन्वेस्ट इन एसेट्स डायरेक्टली ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ठीक है ऑफ द इनविट। नाउ उसके अलावा जो मैंने बताई कि इसके अलावा और क्या क्या डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं इन द इनविट्स और रीट्स इन जनरल। सो बेसिकली लाइक आपने सुना होगा निफ्टी इंडेक्स होता है जो कि टॉप 50 कंपनीज का इंडेक्स होता है जो NSE में ट्रेड कर रही होती हैं ऐसे ही इनविट्स का इंडेक्स बनाया गया है जो NSE पे ट्रेड करती है इनविट्स एंड रीट्स का इंडेक्स उनका कंबाइन कि कंबाइन हमारा जो ये इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है कैसे परफॉर्म कर रहा है वो चेक करने के लिए। सो NSE इंडस्ट्रीज लिमिटेड सब्सिडियरी ऑफ NSE हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट एवर रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट एंड इनविट इंडेक्स ठीक है। द न्यू निफ्टी रीट्स एंड इनविट्स इंडेक्स एम्स टू ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ रीट्स एंड इनविट्स दैट आर पब्लिकली लिस्टेड एंड ट्रेडेड ऑन NSE। द वेट्स ऑफ सिक्योरिटीज विद इन द इंडेक्स आर बेस्ड ऑन देयर फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन जिसका जितना ज्यादा मार्केट कैपिटलाइज होगा इनविट का उसकी ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी इस इंडेक्स के अंदर। सब्जेक्ट टू सिक्योरिटी कैप ऑफ 33% ईच एंड एग्रीगेट वेट ऑफ टॉप 3 सिक्योरिटीज कैप्ड एट 72% ठीक है। द निफ्टी रीट्स एंड इनविट्स इंडेक्स हैज बेस डेट ऑफ दिस मच एंड बेस वैल्यू ऑफ दिस मच इंडेक्स विल बी रिव्यूड एंड रीबैलेंस ऑन अ क्वार्टरली बेसिस ठीक है। ये था। इसके अलावा एक और सेबी की न्यूज आई थी जिसमें कहा गया था कि रीट और इनविट इज मैंडेटेड टू अचीव मिनिमम पब्लिक होल्डिंग ऑफ एटलीस्ट 25% विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ लिस्टिंग ऑफ द यूनिट्स ठीक है। मतलब जिस दिन अपना कोई इनविट या रीट लिस्ट होता है पब्लिकली तो उसका कम से कम 25% शेयर जो है उसका ओवरऑल इनविट का पब्लिक ओन करे विद इन 3 years ये है कानून बाय सेबी दिस हैज टू बी फॉलोड। तो ये इस चक्कर में लेके आए बिकॉज ऑब्वियसली जो कंपनी लिस्ट हो रही है तो उनका कहीं ना कहीं पब्लिक के प्रति लेट्स से कुछ डिस्कोर्स बन जाते हैं लाइक दे हैव टू फॉलो सम नॉर्म्स। तो एक ये नॉर्म है कि जिस दिन आप लिस्ट हो रहे हो उससे लेके 3 साल के अंदर अंदर आपकी कंपनी में 25% पब्लिक की शेयर होल्डिंग होनी चाहिए ठीक है। इट इज टू प्रोटेक्ट डिफरेंट स्टेक होल्डर स्पेशली दोज रिटेल एंड स्मॉल इन्वेस्टर्स लाइक अस ठीक है। बिकॉज इफ दिस विल हैपन दे हैव टू फॉलो सम नॉर्म्स विच विल अल्टीमेटली प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट इन जनरल। नाउ हु रेगुलेट दिस रीट्स एंड इनविट्स इट इज रेगुलेटेड बाय द सेबी। रीट्स हैव टू मैंडेटरीली मेक 80% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट्स इन रेवेन्यू जनरेटिंग द रिमेनिंग 20% एसेट्स ऑफ द ट्रस्ट कैन बी हेल्ड इन कैश स्टॉक बॉन्ड्स और कमर्शियल प्रॉपर्टीज। तो रीट्स का 80% पैसा एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स में जाना चाहिए जो ऑलरेडी बन चुके हैं जो रनिंग है जो रेवेन्यू जनरेटिंग है ठीक है। बाकी 20% दे कैन स्पेंड ऑन अदर थिंग्स
मिनिमम अमाउंट पहले तो बहुत ज़्यादा था रेट इन्वेट का, अब ये कम कर दिया गया है, 10-15 हज़ार की क्लोज है। स्पेसिफिक अमाउंट नहीं दिया गया है, इतना है कि इस रेंज में रहता है दोनों के लिए। पहले ही 1 लाख था कुछ ऐसे, 50 हज़ार था, ठीक है, इन्विट का एक था वो 50 था, अब ये चेंज हो गया है, ठीक है। इन्विट ये डिजाइन एज अ टीयर्ड स्ट्रक्चर विद स्पॉन्सर सेटिंग अप द इन्विट विच इन टर्न इन्वेस्ट इनटू एलिजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इधर डायरेक्टली और वाई स्पेशल पर्पस व्हीकल, जो मैंने बताया या तो इन्विट डायरेक्टली भी इन्वेस्ट करते या फिर स्पेशल पर्पस व्हीकल्स के थ्रू इन्वेस्ट करें, ठीक है। द की फीचर ऑफ इन्विट्स आर मैंडेटरी डिस्ट्रीब्यूशन 90% ऑफ नेट डिस्ट्रीब्यूशन कैश फ्लोस टू द यूनिट इन्वेस्टर्स, लेवरेज कैप ऑफ 70% ऑन द नेट एसेट वैल्यू एंड अ कैप ऑन एक्सपोज टू एसेट्स अंडर कंस्ट्रक्शन फॉर पब्लिकली प्लेस्ड इन्विट्स। The sponsor of the InvIT is responsible to setting up the InvIT and appointing the trustee. The sponsor should hold a minimum 50% of units issued by the unit within a lock-in period of 3 years from the date of issuance. ठीक है, जो मैंने बताया कि sponsor को minimum 15% तक own करना पड़ेगा पहले 3 साल के लिए, now 40 था 20 तो 15% था, ठीक है, 15% was the figure. बाकी pension insurance fund can also invest in through debt in InvIT. ठीक है, InvIT में आप equity के लिए भी own कर सकते हो, ठीक है, और डेट की तरह भी कर सकते हो आगे इन्वेस्ट, डेट इज अप टू, ठीक है, बस। नाउ हियर आर द टैक्स रूल्स, दिस आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन यूपीएससी सिविल सर्विसेज ऑफ 2023, दे हैव आस्क्ड क्वेश्चन बिकॉज लास्ट ईयर बजट के अंदर रूल्स अमेंड किए गए थे टैक्सेशन के। तो बेसिकली क्या है, इन्वेस्टर इन रीट्स इन्विट्स हैव अ रीजन टू चीयर एज लोन रीपेमेंट अटैक्स कंसेशन कैपिटल गेन्स टैक्स ट्रीटमेंट फॉर द नियर फ्यूचर, ठीक है, दिस आई विल एक्सप्लेन लेटर ऑन। उसके अलावा क्या क्या चेंजेस किए गए थे मैं बताता हूँ। देखो, आपने रीट में पैसा डाला है, अगर आपने डेट कितना डाला है, आपने डेट खरीदा रीट के थ्रू या इन्विट के थ्रू, तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा उस डेट से जो टैक्सेबल है। अगर आपने डिविडेंड मतलब आपने इक्विटी खरीदी है किसी प्रोजेक्ट के अंदर थ्रू रीट और इन्विट, तो आपको डिविडेंड मिलेगा जो टैक्सेबल नहीं है, ठीक है। कैपिटल गेन्स, ठीक है, जब आप किसी इन्विट या रीट से एग्जिट कर रहे हो तो जो कैपिटल गेन है क्या वो टैक्स होगा? यस, शॉर्ट टर्म भी है वहां पे, लॉन्ग टर्म भी है, ठीक है, इतना है, मतलब कि 3 साल के बाद लॉन्ग टर्म लगेगा, उससे पहले शॉर्ट टर्म लगेगा, तो कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। डिविडेंड नहीं, डिविडेंड पे कोई टैक्सेशन नहीं है, इंटरेस्ट पे जरूर टैक्सेशन है। तो ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, बस इतना ही ध्यान रख लो। दिस इज सफिशियंट इंफॉर्मेशन कि डिविडेंड टैक्सेबल नहीं है, इंटरेस्ट इज टैक्सेबल एंड देयर इज कैपिटल गेन्स टैक्स बोथ शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म ऑन द रीट और इनविट, ठीक है। Now here is the question. Question basically is a very simple one. थोड़ा सा factual भी है, तो आपको इसका answer करना है, ठीक है। तो I'll give you 1 minute to answer this. So pause the video and try to answer this question. And you will be able to answer based on what I have taught you, ठीक है। So first statement है, Power Grid Corp of India Limited launched the first public offer of the InvIT ever by ever PSU. मतलब ये कह रहे कि Power Grid पहला PSU था जिसने InvIT को public लेके गया, अपने InvIT को public लेके गया, यानी कि stock exchange पे list करवाया। तो ये सही statement है, Power Grid ही था, ठीक है। दूसरा है कि regulator करता है, SEBI करता है, of course I have told you। दूसरा जो index मैंने बताया था, like Nifty, Sensex, ऐसे ही NSE, REITs and इन्विट्स इंडेक्स है जो क्वार्टरली रिव्यू होगा, तो ये भी क्या है, करेक्ट है। तो ऑल ए बी एंड सी आर दी करेक्ट स्टेटमेंट एंड ऑप्शन 4th इज दी राइट आंसर, ठीक है गाइस। सो दिस वाज अबाउट द इन्विट एंड रीट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सेबी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो जस्ट डू दिस थिंग वेरी रिग्रेसली, बिकॉज ये कहीं ना कहीं एग्जाम में आ सकती है। इवन फॉर RBI दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, they can ask question on this, like civil services mein if they can ask, why not in RBI or SEBI. So just brush up your REIT and InvIT knowledge for doing or learning more. You can always refer to our PIB sutras, ya fir agar aap hame course ke part ho to aap sampurna ke andar aapko is REIT and InvIT pe achhi information mil jayegi, ya fir agar hamare course ka part ho to aapko wahan pe hamara finance ke andar in capital markets you will be learning about REITs and InvIT and the data is updated, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट गाइज एंड कीप प्रिपेयरिंग।